भारत के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनको आपका शेड्यूल्स के अंदर डाल दिया गया है। तो शेड्यूल जी, एच और एक्स, हमारे भारत के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर आपका कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं। तो शेड्यूल जी, एच और एक्स के अंदर इन ड्रग्स को, जो भी ड्रग्स आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, उनको उसके अंदर प्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कुछ ही ड्रग्स ऐसी होती है जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि हमारे सिंपल एनाल्जेसिक्स हो गए, जिसके अंदर हमारे पास पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन हो गए। इसके अलावा लक्सेटिव है जो कि आपका बाउल मूवमेंट बढ़ाने के लिए काम आता है। ये जितनी भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है रिलेटिवली हार्मलेस होती है, और इनको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रोक्योर कर सकते हो। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स भी कहलाती है, क्योंकि इनको परचेज करने के लिए जो सेलर है या रिटेलर है उसको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, वो ओवर द काउंटर भी इन ड्रग्स को सेल कर सकता है। फिर आती है हमारे पास हाउस होल्ड रेमेडीज। हाउस होल्ड रेमेडीज यानी कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं होती है, इसलिए इनको कोई जनरल स्टोर या ग्रोसरी वाला पर्सन भी सेल कर सकता है, और ये कुछ ही होती है। इनको आप हाउस होल्ड मेडिसिन कहते हैं, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के शेड्यूल के अंदर हमारी हाउस होल्ड रेमेडीज का नाम जो है वो लिस्टेड है। ठीक है, हाउस होल्ड मेडिसिन की संख्या बहुत ही कम है, यानी कि ये उन बीमारियों में यूज होंगे जिन बीमारियों से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 1,000 से ज्यादा नहीं है, यानी कि मतलब मैक्स टू मैक्स 1,000 पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू दैट डिजीज। हमारे पास आते हैं ड्रग कंपेंडिया। सो ड्रग कंपेंडिया किसको कहते हैं? ड्रग कंपेंडिया मीन्स कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो दो तरीके के हमारे पास कंपेंडिया हैं, एक है हमारे पास ऑफिशियल और एक है हमारे पास नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल कंपेंडिया की बात करें तो मेरे पास पहला है फार्माकोपिया, दूसरा है हमारे पास फॉर्मुलरी, और नॉन ऑफिशियल की बात करें तो उसमें हमारे पास आती है मार्टिनडेल, और हमारे पास आता है फिजिशियन ड्रग रेफरेंस, पीडीआर। ठीक है, तो फार्माकोपिया में हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया। फॉर्मुलरीज में वी हैव बीएनएफ एंड एनएफआई। मार्टिनडेल क्या होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एंड पीडीआर इज द एक्चुअली ये फिजिशियन के लिए एक ड्रग रेफरेंस बुक होती है, जिसमें फैक्ट और कंपैरिजंस की स्टडी करने को फिजिशियन को हेल्प होती है। तो चलिए इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया आपको किस चीज की इन्फॉर्मेशन देती है? केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, आइडेंटिफिकेशन एंड एसे मेथड ऑफ अ ड्रग। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, द स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग एंड डोजेस फॉर्म ऑफ ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग्स इन द कंट्री। ये ध्यान रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि फार्माकोपिया इनमें से किसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन में देखा था, मैंने डोज ऑप्शन में डाला हुआ था, तो कहीं आपने अभी तक पढ़ा है इसमें डोज? नहीं आया ना डोज। केमिकल स्ट्रक्चर आया, वेट आया, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आई, सोलिबिलिटी आई, आइडेंटिफिकेशन एंड एसे मेथड आया, इसके अलावा उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी आया, स्टोरेज कंडीशन आया, डोजेज फॉर्म ऑफ ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग इन कंट्री आया, लेकिन डोज नहीं आया। ठीक, डोजेज फॉर्म आया पर डोज नहीं आया। उसके क्वेश्चन का जो आंसर उसका कि आईपी ये प्रोवाइड नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं हम इसका यूज क्या है फिर। ठीक है ना, तो ये यूजफुल होती है बच्चों आईपी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, या फिर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं ये उनके लिए यूजफुल होती है आईपी। ये डॉक्टर्स के लिए किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं होती है, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो आईपी कभी देखी भी नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज उनको उनसे कोई काम नहीं होता, वो उनके लिए एज ए रेफरेंस काम नहीं आती, तो इसमें डोज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मुलरीज पे। तो फॉर्मुलरीज क्या है, जाहिर सी बात है ये भी एक तरीके की ऑफिशियल कंपेंडिया ही है, और इसकी खास बात यह है कि ये आपका बुकलेट के फॉर्म में आपका इजिली कैरी कर सकते हो आप। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये यूज होती है डोज के लिए। तो देखिए डिफरेंस आ गया ना, तो आईपी डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन डोज, फॉर्मुलरी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन डोज। डोजेज फॉर्म की इन्फॉर्मेशन देती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है कि कौन सी ड्रग किसके साथ नहीं खानी है, सावधानी क्या बरतनी है, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे ड्रग के। आईपी में एडवर्स इफेक्ट भी नहीं दिया होगा, ये किसी भी फार्माकोपिया में एडवर्स इफेक्ट नहीं दिया होता है, ना प्रिकॉशन दी होती है, ना डोज दी होती है। डोजेज फॉर्म दिया होता है, लेकिन वो भी कुछ अप्रूव्ड ड्रग्स की। तो ये हमारी फॉर्मुलरी होगी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब फॉर्मुलरी की बात करें तो हमारे पास दो तरीके की फॉर्मुलरी हमने पढ़ी थी ना, बीएनएफ और एनएफआई। बीएनएफ जो होती है ये आपका ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी होती है, और इसके अंदर आपके ड्रग के ब्रांड नेम और कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी ड्रग का ब्रांड नेम और कॉस्ट जानना है तो उसके लिए आप उसकी फॉर्मुलरी पढ़ेंगे, और फॉर्मुलरी में आप पढ़ेंगे उसकी बीएनएफ। तो बीएनएफ में ब्रांड नेम और कॉस्ट दिया रहता है, लेकिन जो हमारी नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है इसके अंदर ना तो ब्रांड नेम रहता है और ना ही इसके अंदर कॉस्ट रहती है। तो अगर आपको ड्रग का ब्रांड नेम और कॉस्ट जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बीएनएफ, नॉट एनएफआई।
फिर आता है मार्टिनडेल। तो मार्टिनडेल क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, मार्टिनडेल बिल्कुल से ध्यान रखना है, ये फिजिशियन के लिए एक तरीके का ड्रग रेफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। ये हर 2 से 3 साल में अपडेट होता है और इसको अपडेट करने वाली सोसाइटी का नाम है रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये इसको अप्रूव करती है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर पूरी दुनिया भर में जितनी भी मेडिसिन है उनके ऊपर एक एग्जॉस्टिव और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आपको किसी भी ड्रग की एग्जॉस्टिव और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मार्टिनडेल पढ़ेंगे। मार्टिनडेल में यू विल गेट एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन ऑन दी ड्रग यूज वर्ल्ड वाइड। फिर आता है आपका कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करता है। तो मार्टिनडेल जो है वो आपको एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया था, तो ड्रग के ऊपर आपको उसकी थेरेप्यूटिक इन्फॉर्मेशन, क्या क्या नए नए लॉन्चेस हुए हैं, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल, ड्रग का फार्मास्यूटिकल प्रोफाइल, थेरेप्यूटिक प्रोफाइल, एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रग यू यू कैन गेट ऑन मार्टिनडेल। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो पीडीआर थी हमारी, जिसको हम फिजिशियन रेफरेंस बुक कहते हैं, ये क्या करती है। ये जैसे मैंने आपको बताया ये नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया है, ये फिजिशियन की बुक है क्योंकि ये फिजिशियन यूज करते हैं, क्योंकि इससे उनको प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है और ये उनके उसमें इमेजेस भी दी रहती है प्रोडक्ट की, तो उनको एक तरीके से गाइडेंस बुक की तरह ये यूज करते हैं जितने भी फिजिशियंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे, एक सेकेंड रुकिएगा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे एसेंशियल ड्रग्स की। तो एसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, एसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, इसकी डेफिनेशन WHO ने दी है, दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनता है उनकी जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड है उसको सेटिस्फाई करने वाली ड्रग को आपने एसेंशियल ड्रग कह दिया, ठीक है। एसेंशियल ड्रग्स की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाए तो WHO ने क्या किया था, अपना जो फर्स्ट मॉडल दिया था लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग वो दिया था 1977 में, साथ ही साथ उन्होंने उसमें ड्रग्स की डोजेज फॉर्म भी दी हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें करेंटली, तो करेंटली क्या हुआ है, 22वां जो लिस्ट आया है 2021 में, इसके अंदर 439 एंट्रीज हुई है, साथ ही साथ 41 उसमें FDCs भी एड हुए हैं। तो पहले ही जो 1996 में हमारी जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसका नाम था नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इंडिया में ये रिलीज हुई थी। 2011 में इसको रिवाइज किया गया और 2015 में इसका टाइटल पूरा का पूरा चेंज हुआ और इसका टाइटल बन गया NLEM। ये आपने ध्यान रखना है, द टाइटल हैज टर्न्ड इनटू NLEM। NLEM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,